स्वामी जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज, वृंदावन चंद जी, श्री गुरुदेव सनारी श्री हरदास प्रेमी जनों, पूर्व प्रसंग में गुरु महिमा श्रवण कर रहे थे आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज, हम दासों को अपनी वाणी के माध्यम से गुरु महिमा श्रवण कराई। सिद्धांत की साखी पक्षी जो है, महाराज ने 23 साखियों के मध्य में प्रारंभ में प्रथम लड़ाम श्री गुरु बन कर श्री जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, जो मावश्या इंद निवरा पंथ न पावे। महाराज श्री ने साखिन के मध्य में विवरण गुरु ने जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, जो मावश्या इंद निवरा पंथ न पावे। महाराज श्री ने बतायो गुरुदेव में और हरि में कोई अंतर नहीं है। जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, बिना गुरुदेव की कृपा के हरि की प्राप्ति कौन को भी है, किसी को आज तो नहीं। ज्यो मावश्या इंदु निवरा पंथ न पावे। जैसे अमावस्या की कारी अंधेरी रात्रि में कबहू चंद्रमा के दर्शन ना हो सके हैं, कोई भी प्रयत्न करने के बाद भी, उसी प्रकार बिना श्री गुरुदेव जी की कृपा के हरि प्राप्ति कबहू काउ जन्म में किसी को नहीं हुई। तुम्हारा श्री मुक्त कंठ सो अथवा श्री भागवत जी और जितने भी सरस ग्रंथ हैं, सभी गुरु महिमा का उल्लेख करते हैं। आचार्यों की वाणी तो कई कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज। तो प्रेमी जनों, पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण कियो श्री गुरु सेवत सवै सा, श्री गुरुदेव के सेवन ते समस्त संत समाज स्वयं हरि परमार्थी जनन की जितनी भी सहायता है सब की सब प्राप्त हो। श्री गुरुदेव जी की कृपा से जब गुरु के चरणों में अनन्य अनुराग है तो सब बात बन जा रहे हैं। तो यह विषय में महाराज ने पूर्व प्रसंग में बहुत कुछ समझाया। श्री वृंदावन घन नव निकुंज, दंपति संपत्ति सुखदाय, श्री बिहारी दास हरिदास कृपा के हस्तामल बिंदाय। स्वामी जी महाराज, यस्य साक्षात भगवती, यानी श्री भागवत जी में भी कहते हैं स्वयं श्री हरि भी कहते हैं, संतन बिन हरि नाम हरि ने कही, इनमें बिना संतन नहीं प्राप्त। हरि गुरु संत और शास्त्र, ये चारों एक। आज के प्रसंग में महाराज श्री ने बतायो
एक महावृक्ष, ताकि जो रहनी है, रहनी कई प्रकार के होते हैं, गृहस्थ मार्ग में रह के भी हरि प्राप्त हो जाते हैं, और महावृक्ता वृक्षता का रूप धारण करके महावृक्ष, एक वैरागी, एक गुसाई, एक ग्रही, एक महावृक्ष। जो महावृक्त की रहनी है, जैसे श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज, श्रीमद किशोरी देव जी महाराज, श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज, स्वामी जी आजाद, आचार्य मानभाव, एक पेड़ के नीचे पूरा जीवन, लताओं के नीचे, महावृक्त तन पे कपड़े भी नहीं, द्वै को पीन गुदरी करवो बिहारी दास। इसके बाद होती एक आश्रमी, जो संत वृक्त स्वरूप में, लेकिन वो स्त्री के को स्वीकार न करके, यानी सहन नहीं हो सकता है, आश्रम का सहारा लेते हैं। आश्रमी बैरागी, बैरागी जो आश्रम में रहते, बैरागी धारण करके संत भक्तों के आधार पर और उनको भी रास्ता दिखाते हुए नाना प्रकार से साधना करते हैं, वो बैरागी। महाभक्तों के बीच में बैरागी, तो महाभक्त जो रहनी है सर्वोत्तम रहनी है। उसके बाद जो है तीसरी गुसाई, जैसे वृंदावन धाम में अन्य जगह भी गुसाई प्रकरण शहर ठाकुर की सेवा करते कराते, जो इनके मध्य में भी बड़े बड़े अनुरागी होते चले आए, तो उन्हीं को भी प्राप्ति होती है। लेकिन परंपरा को जिन्होंने दृढ़ता से स्वीकार किया, परंपरा में कोई ढील नहीं की, उन्हीं को प्राप्ति होती है। स्वामी जी के शरणार्थियों को अनन्य भाव से स्वीकार। चौथे ग्रही, गृहस्थ में रह के, चाहे वृंदावन धाम में रह रहे हैं, चाहे बाहर रह रहे हैं, उनको प्राप्त। महाराज ने महावृक्त की रहने का अगले पद में वखान किया है, परमारथ को कछु न चाहिए, स्वारथ को सब चेष्टा, आरंभटी साधक संसार है, सब सो पर कर निष्ठा। महाराज श्री के हैं शुद्ध परमार्थ के लिए, जाको कुछ नहीं चाहिए, सो साहब को साहब, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जैसे स्वामी जी के पास अकबर आए, बहुत प्रार्थना करी, महाराज मेरे लिए आज्ञा करो, आपने प्रसन्न सुन लो, आज्ञा में ठीक है करेंगे आज्ञा। प्रकाश दास जी से दर्शन कराओ, दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्य वृंदावन के दर्शन कराओ, आनंदित हो। धन्य धन्य जय हो स्वामी जी महाराज, आपसे तो आप नहीं, आपसे कोई नहीं हो सकता, ऐसी दिव्य दृष्टि देखे और जो है अद्भुत वृंदावन के, दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए, बिहार घाट की किशोरी टूटी, तो महाराज बोले तेरी सेवा को मने, तेरी बिहार घाट की थोड़ी सीढ़ी का कोना टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत करा दी। ये जय जय पूरे राजकोष, पूरी संपत्ति, दुनिया की संपत्ति अन्योछावर होकर उसमें लग जाए, तो वो सीढ़ी नहीं बन सकती। दयालु वो स्वर्ण, वो कांति, वो उज्ज्वलता, वो यहाँ पृथ्वी पर तो है ही नहीं, वो तो दिव्यता है, वो तो आपकी कृपा सेवा के दर्शन ही है। तो बता हमको फिर काय की जरूरत है, जब हम ऐसे रसरंग में है, तो हमको तो कुछ और सेवा की जरूरत है ना। कि महाराज मैं ये तो समझ गया, लेकिन फिर भी मेरी लायक कोई सेवा, कुछ राजमद था हल्का सा, तेरे लायक सेवा ठीक है,
तू जो है मोर बंदर वृंदावन के मोर बंदर पशु को उनको कोई नहीं सता रहे, लतान को कोई नहीं सता रहे, ये राज्य ये व्यवस्था पे ब्रज वृंदावन साक्षात धरी को स्वरूप सहसरी स्वरूप आने लगा है। और मोर बंदरन के ताही सौ मन चना अकबर ने स्वीकार कर महाराज ने कम से कम सौ मन चना की तो मेरी सेवा ले लो रोजाना मैं सौ मन चना दे ली थे और वृंदावन के लिए भिजवाऊंगा तो चल तेरी इच्छा है। तो सौ मन चना अकबर के राजकाल में रोजाना वृंदावन से निर्वहन आते ऐसा सुना है। फिर भी राजा ने और भी प्रार्थना करी कि महाराज और कोई मेरे लायक सेवा और सेवा और सेवा यह है अब के अलावा दोबारा हमारे पास जीवन में मतलब अकबर इस शब्द को सुन के गुरुजन बताते रहे खड़ा था प्रार्थना कर रहा था लेकिन एकदम जो है गिर पड़ा तो मेरे से कौन सा अपराध ऐसी निधि के आज तक दर्शन नहीं हुए और दर्शन हुए तो अब दोबारा नहीं होंगे। फिर मत आइयो हरि गुण गई हमारे पास फिर मत आना ललित प्रकाश ने लिख वही हरि गुण गाना तानसेन ने विनय किया कोई आधार तो ठीक हमारा चित्र पहले कैमरा तो थे नहीं चित्रकार बुलवाया चित्र लिखवा आज के समय में विशेष रूप से जो स्वामी जी महाराज का सुन वो तभी का बना हुआ चित्र जो कि बाद में श्री ललित किशोर देवी महाराज के समय में जब कौन से राजा हुए मुस्लिम राजा तो वो देख रहे थे भोतेरे फोटो को भोतेरे चित्रों को कि ये कौन क्यों और एक चित्र ऐसा देखा कि हमारे शहंशाह राजा यानी अकबर और वो एक फकीर के सामने दीनहीन हाथ जोड़ के खड़े हैं ऐसे ही फकीर कौन विचित्र तो एक वकील ने बताया उनके जो वो ललित सूर्यदेव जी महाराज के शिष्य थे कि ये हमारे प्राण धन श्री बांकी बिहारी जी को प्रकट करे वाले अन्य नृत्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं श्री धाम वृंदावन में उपाय और ये पूर्व आचार्य हम उसी परंपरा से देखे थे वकील अच्छा तो वर्तमान में कौन कि वर्तमान में आचार्य प्रवसी स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज विराजते हैं वो सप्तम आचार्य तो उनके दर्शन मुझे हो जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ तो नहीं आएंगे तो मैं चला चलू वहां जैसे अकबर की जिज्ञासा हुई ऐसे मैं चलूंगा वृंदावन उनके दर्शन अवश्य जैसे अकबर ने हमारे महाराज अकबर ने किए दर्शन ऐसे नहीं करता ऐसी जिज्ञासा जागृत तो महाराज के पास सूचना ही महाराज ऐसे ऐसे जो है शहंशाह कह रहे हैं श्री सिद्ध जी महाराज बोले न उनका आना उचित न हमारा जाना उचित बीच का ही सौदा कर ले कैसे वो अगर यहाँ आ गए एक दो दिन रहे हमारी वार्ता सुनी हो सकता है राज्य शासन को छोड़कर वो साधु ही बन जाए इसलिए उनका आना उचित नहीं और हमारा जाना हमको लाभ क्या यहाँ से जाने से हम प्रिया प्रीतम के नित्य धाम को छोड़ के सहज सने ही श्याम के वन बस अनंत न जाए जो सहज सने हैं तो वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाए जो रांचे सारे देश सुन जहां तहां ले जाए तो हम क्यों जाए तुम्हारा तीसरा उपाय क्या है कि हमारा फोटो जैसे स्वामी जी का फोटो जैसे हमारा ठीक है वही फोटो चला गया दर्शन कर लिया
तो तभी से स्वामी जी महाराज का जो फोटो था वो सेवा में आया, इस तरीके से बड़ों से सुना गया स्वामी जी महाराज प्रेमी जना। तो ऐसे महाव्रक्ता व्रक्त श्री स्वामी जी महाराज, तो वहां बीरबल ने पूछा कि आपको कौन ईश्वर देखा, कौन जीव देखा, जिनको जितनी ज्यादा इच्छा है अपने सुख के, एक तो होती है अपने सुख के लिए और एक होती है काय काजन करकच करे हरिरत तो हो तो कर्क न, अपनी काया को सजाने के लिए कोई करकच नहीं करना चाहिए, सेवार्थ कुछ करना है कोई सेवा से तो वो कर्क न डर है। बिहारी जी महाराज बोले इसको करने में नहीं डरना चाहिए। तो बीरबल ने पूछा कौन जो है हरि है और कौन जीव है, तो वहां तुम गए तो वहां कौन है याचना करी कुछ, कि याचना तो वहां के मानुभावन ने किसी ने नहीं करी, पर फिर भी थोड़ा सा अंतर दिखाई क्या कि स्वामी जी महाराज ने तो कुछ बोला ही नहीं कि हमको ये चाहिए एक शब्द, लेकिन स्वामी जी के दर्शन के बाद में सहसा दूसरी जगह गई तो और मानुभावन ने कही कि हमारी संप्रदाय प्रचार के लिए कुछ कागज की जरूरत है, कईयों ने कहा कि यहाँ हमारे ठाकुर के लिए भूमि लग जाए, देखो व्यास घेरा, मदन मोहन घेरा और भी जितने भी घेरा हैं, वो अकबर ने उसी समय संपत्ति लगाई थी घेरा उपाने, लेकिन निधवंजी का घेरा बिहार जी का घेरा कोई नहीं, तो स्वामी जी ने मांगा ही नहीं, स्वामी जी चाहते तो वृंदावन की सोने चांदी की बाउंड्री बन जाती, स्वामी जी तो स्वामी जी। तो वहां बताया कि स्वामी जी ऐसे कि उन्होंने कोई शब्द नहीं तो स्वामी जी के दर्शन के लिए, लेकिन और मान भाव और भी दिव्य मान भाव है, लेकिन कुछ इस तरीके से विवरण बताया। तो महाराज बोले परमार्थ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा, शुद्ध परमार्थ के लिए सही पूछा जाए कुछ नहीं चाहिए, जितना चाहिए वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ, स्वार्थ को सब चेष्टा आरंभ टी साधत संसार सब सो कर जो दुनिया नाना प्रकार के संसार को साधते हैं, गए गए नाक अंगुरियन गन गन बिना प्रेम नैम निज निष्ठा, अन्य उपासकों की बात बता रहे हैं, साधना करते हैं नाना प्रकार के योग साधना करने वाले हैं, अन्य संप्रदाय जो भक्ति रहित संप्रदाय होती है उनके संबंध में कह रहे हैं, गए गए नाक अंगुरियन गन गन बिना प्रेम निज निष्ठा, बिना प्रेम के बिना कोई नेम के नाना प्रकार के जो साधन करते हैं और नाक को बंद करे जैसे योग साधन में नाना प्रकार के ऐसे करते हैं, महाराज बोले इनसे प्रेम प्रकट नहीं होता है, इन सारे साधनों से प्रेम प्रकट नहीं होता है, क्यों संचरय मने निरे अचारय बिन विचार नहीं हो सकता, महाराज बोले निरे अचार में यानी आचार विचार में बहुत रहते हैं बहुत, महाराज बोले कहा आचार विचार में विचार नहीं करते प्रेम भक्ति का तो काय के आचार, कुछ नहीं से कोई लाभ नहीं, प्रेम पदार्थ घटत न जाने हो क्यों बढ़े प्रतिष्ठा, प्रेम पदार्थ की तो तुमको चिंता नहीं कि हृदय में बिहारी बिहारन को प्रेम कैसे बढ़े और नाना प्रकार के संसार को रिझाने के उपाय कर रहे हैं इससे संसार आकर्षित हो जाए, महाराज बोले हमारी समझ से बाहर है, प्रेम पदार्थ घटत पर जाने हो क्यों बढ़े प्रतिष्ठा, केवल प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे हुए हैं,
हृदय में प्रेम बढ़ाने में नहीं लगे हुए हैं, ये बात नकलीपन है। सवै प्रपंच पुराण पुकारत पतिकु सूकर की विष्टा। भक्ति में ग्रंथ पुराण उनका भी निरीक्षण करिए भागवत जी। आज शवय प्रपंच, इस तरीके का अगर हरि प्रेम जागृत नहीं होता है किसी भी साधन से, और हरि प्रेम रहत साधन है वो सब प्रपंच है बेकार। शवय प्रपंच पुराण पुकार प्रपत्ति सुकर की विष्ठा। और जो स्वामित्व को अग्रसर करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा संसार में स्थापित करने के लिए कोई भी उपाय किए जाते हैं तो उससे कभी प्रेम प्रकट नहीं होता है। महाराज तो शवे प्रपंच पुराण पुकारत पति सूकर प्रतिष्ठा, ऐसो को बड़भागी अनुरागी जुआ राधे इष्टा। ऐसे कौन है, कोई कोई होते हैं बड़भागी अनुरागी जो एकमात्र अपने जीवन को समर्पित करते हुए इष्ट की ही आराधना करते हैं, प्रेम की ही आराधना करते हैं। ऐसो को बड़भागी अनुरागी जुआ राधे इष्टा, जो इष्ट की आराधना भावपूर्ण से संलग्नता से अनन्य भाव से बिहारी दास विरले दुर्लभ को एक विवेकी दृष्टा। को दुर्लभ विरले होते कहूं कहूं बिरलो एक कोटिन में भगवत भक्त सुख। ये नहीं है कि एक ही हो, बहुत हो सकते हैं लेकिन ये विरले होते। इस तरीके की साधना करने वाले स्वामी बिहारी जी महाराज ने इसी पदों में कहा है, कहूं कहूं विरलो एक कोटिन में भगवत भक्त शुद्ध जन सब। करोड़ों में से विरले कोई मिलते हैं जिन्हें हरि भक्ति को शुद्ध साध लिया, कहीं कहीं मिला झुली रखते तिल में रसिक अनन्य धन्य धन्य जिनके यह रस रीत गादी। ऐसे करोड़ों में रसिक अनन्य धन्य धन्य है, शुद्ध भक्त मिलना कठिन है। और करोड़ों शुद्ध भक्तों में एक रसिक अनन्य मिलना अति कठिन। रसिक अनन्य है तो प्रेमी रसिक जनों, स्वामी जी के चरणारविंदों को आपने जो स्वीकार किया है, शिवदास नाम को जो स्वीकार किया है, सबसे सरल और सर्वोपर बात यह है, श्रम थोड़ा हो और सुख आवरो। श्रम सबसे थोड़ा है और सुख सबसे आगेगा। लेकिन कैसे, श्रम थोड़ो सुख आगरो पैयत पूरन काम, बिहारी दास विश्वास ते जो भजी है निकाम। विश्वास ते अनन्य भाव ते, जो निष्काम भाव से जो स्वामी जी के चरणों का सेवन करते हैं, बिहारी हरि के चरणों का सेवन करते हैं, इसमें श्रम नहीं है और सुख सबसे आगे का है। विश्वास करें एक बार स्वामी को मिला आवागमन धन। कई बार ये संसारी जीव चमक दमक में बड़ा राजी रहता है, क्योंकि स्वभाव पड़ा हुआ है ना अनंत जन, यहाँ चमक दमक बाहुल्य अति वैभव, जहां देखता है वहां अपने मन को बहुत जल्दी चिपका लेता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन जहां रसवादी मिले तहां सम्मान न होई, जहां हो सम्मान तहां मन मिले न कोई, मन मिलाप जहां हो तहां इष्टता न पावे, और जहां इष्टता मिले तहां दारिद्र सदावे। जेत घर की धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत ये कल काल में कहो रसिक का निस्तर। स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं ये बड़ा निरीक्षण करना होता है कि वस्तु कहाँ टिकी हुई। ये निरीक्षण स्वामी जी महाराज की कृपा से ही, बाह्य आवरण से नहीं समझा जा सकता।
स्वामी जी महाराज।